रंजिश दे चलदियां घर दे विच वड़ के तेज तार हथियारां दे नाल हमला करके कतल करन दी घटना सामने आई है। खबर फिरोजपुर दी है जिथे कि पिंड नवा गुरदित्ते दे विच रंजिश दे चलदियां कुछ व्यक्ति घर दे विच दाखल हुंदे ने, तेज तार हथियारां दे नाल हमला नौजवान दे उपर करदे ने, जिस तों बाद नौजवान की हस्पताल दे विच मौत हो जाती है। दसिया जा रहा है कि पिंड नवा गुरदित्ती दे विच गुरविंदर सिंह ना दसिया जा रहा है मृतक का, जो कि अपने घर दे विच बैठा हुंदा है, घर के कमरे दे विच बैठा हुंदा, जिस तों बाद कुछ व्यक्ति जिहड़े ने उसके घर दे विच दाखल हुंदे ने, कमरा दरवाजा उन्हां दे वल्लों तोड़िया जाता, जिस तों बाद उसके उपर तेज तार हथियारां दे नाल हमला कर दिता जाता है। तो उस व्यक्ति नूं जख्मी हालत दे विच जीरे दे हस्पताल दाखिल करवाया जाता है, जिथे उसकी हालत बेहद गंभीर दसी जाती है। इस तों बाद उसनूं फिर फरीदकोट के हस्पताल दे विच दाखिल करवाया जाता है, जिथे इलाज के दौरान उस नौजवान की मौत हो गई है। दसिए कि 27 साल गुरविंदर सिंह इस घटना के उसकी मौत हो गई है, कतल हो गया उस व्यक्ति का। उत्थे दसिया जा रहा है कि मृतक की माँ का कहना है कि पहला रंजिश से चलदिया उन्होंने वालों साढ़े पुराने घर के उपर हमला किया जाता है, घर के वड़ के भन तोड़ की जाती है। इन्ना ही नहीं, जो भन तोड़ करन तो बाद उन्होंने वालों उन्होंने नवा घर जो कि पिंड नवा गुरदित्ती दे विच है, जिथे उन्होंने बेटा जिहड़ा अपने कमरे दे विच बैठा हुंदा है उत्थे वह दाखिल हुंदे ने, कमरे का दरवाजा उन्होंने वालों तोड़िया जाता है, तो तेज तार हथियार जो भी उन्होंने कोल हथियार हुंदे ने, दातरा हुंदियां ने, उस उपर हमला कर दिता जाता है। तो उसकी हालत जिहड़ी है काफ़ी गंभीर हो जाती है, उसनू जीरे दे हस्पताल दाखिल करवाना पैंदा है, हस्पताल तो उसनू फरीदकोट दे हस्पताल दे विच दाखिल करवाया जाता है, रैफर कर दिता जाता है, जिस तों बाद दस्सिया जा रहा है कि इलाज के दौरान उस नौजवान की जिहड़ी है मौत हो गई है। उत्थे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिवारिक मैंबर जो भी इस मामले के बयान दर्ज करवाएंगे, बयानों दर्ज करके उसके उपर जिहड़ी बनती कार्रवाई कर दी जाएगी। उत्थे दस दिए कि फिरोजपुर का मामला दसिया जा रहा है, जिथे कि एक व्यक्ति का घर के वड़ के कतल करने की खबर जिहड़ी है सामने आई है। इस संबंधी होर खबर देखने लिए देखते रहो पंजाब बुलेटिन। रंजिश के चलदियां घर के वड़ के तेज तार हथियारों के नाल हमला करके कतल करने की घटना सामने आई है। खबर फिरोजपुर की है जिथे कि पिंड नवा गुरदित्ते दे विच रंजिश दे चलदियां कुछ व्यक्ति घर दे विच दाखल हुंदे ने, तेज तार हथियारां दे नाल हमला नौजवान दे उपर करदे ने, जिस तों बाद नौजवान की हस्पताल दे विच मौत हो जाती है। दसिया जा रहा है कि पिंड नवा गुरदित्ते दे विच गुरविंदर सिंह ना दसिया जा रहा है मृतक का, जो कि अपने घर दे विच बैठा हुंदा है, घर के कमरे दे विच बैठा हुंदा, जिस तों बाद कुछ व्यक्ति जिहड़े ने उसके घर दे विच दाखल हुंदे ने, कमरा दरवाजा उन्होंने वालों तोड़िया जाता है, जिस तों बाद उसके उपर तेज तार हथियारों के नाल हमला कर दिता जाता है। तो उस व्यक्ति नूं जख्मी हालत दे विच जीरे दे हस्पताल दाखिल करवाया जाता है, जिथे उसकी हालत बेहद गंभीर दसी जाती है। इस तों बाद उसनूं फिर फरीदकोट दे हस्पताल दे विच दाखिल करवाया जाता है, जिथे इलाज के दौरान उस नौजवान की मौत हो गई है। दस्सिए कि 27 साल गुरविंदर सिंह इस घटना के विच उसकी मौत हो गई है, कतल हो गया उस व्यक्ति का। उत्थे दस्सिया जा रहा है कि मृतक की माँ का कहना है कि पहला रंजिश से चलदिया उन्होंने वालों साढ़े पुराने घर के उपर हमला किया जाता है, घर के वड़ के भन तोड़ की जाती है। इन्ना ही नहीं, जो भन तोड़ करन तो बाद उन्होंने वालों उन्होंने नवा घर जो कि पिंड नवा गुरदित्ती दे विच है, जिथे उन्होंने बेटा जिहड़ा अपने कमरे दे विच बैठा हुंदा है उत्थे वह दाखिल हुंदे ने, कमरे का दरवाजा उन्होंने वालों तोड़िया जाता है, तो तेज तार हथियार जो भी उन्होंने विच कोल हथियार हुंदे ने, दातरा हुंदियां ने, उसके नाल उस उपर हमला कर दिता जाता है। तो उसकी हालत जिहड़ी है काफ़ी गंभीर हो जाती है, उसनू जीरे दे हस्पताल दाखिल करवाना पैंदा है, हस्पताल तो उसनू फरीदकोट दे हस्पताल दे विच दाखिल करवाया जाता है, रैफर कर दिता जाता है, जिस तों बाद दस्सिया जा रहा है कि इलाज के दौरान उस नौजवान की जिहड़ी है मौत हो गई है। उत्थे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिवारिक मैंबर जो भी इस मामले के विच बयान दर्ज करवाएंगे, बयानों दर्ज करके उसके उपर जिहड़ी है बनती कार्रवाई कर दी जाएगी। उत्थे दस दिए कि फिरोजपुर का मामला दस्सिया जा रहा है, जिथे कि एक व्यक्ति का घर के विच वड़ के कतल करने की खबर जिहड़ी है सामने आई है। इस संबंधी होर खबर देखने लिए देखते रहो पंजाब बुलेटिन।